नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई बिगेस्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे कम से कम 3 लोगों को अवश्य शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। ऑप्शंस हैं भाषा, लिपि, वर्ण, व्यंजन। तो उच्चारित ध्वनि संकेतों की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखित की बात की जा रही है ना। ऑप्शंस हैं लिपि, भाषा, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो लिख करके लिखने का वर्क लिपि से होता है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा और लिपि हैं। ऑप्शंस हैं एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा और लिपि जो है एक दूसरे के पूरक हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शंस हैं सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सैनी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है। ठीक है, आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की। मतलब किसने भारतेंदु पूर्व युग में जो है विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की। ऑप्शंस हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत संघ की राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा बतानी है आपको, है ना। ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है। ऑप्शंस हैं पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची या अष्टम अनुसूची। इसका आंसर तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, है ना। तो भाषाएं किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, अर्थात किस राज्य में जो है हिंदी नहीं बोली जाती है। ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में, है ना। पंजाब में हिंदी, पंजाब जो है हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ऑप्शंस हैं दिल्ली, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, ऑप्शंस हैं भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण का अर्थात व्याकरण होता है भाषा का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण क्या है, भाषा का के नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। ऑप्शंस हैं 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास या 60 के आसपास। तो इसमें लगभग में आंसर आपको देना है ना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52। तो 52 के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है ना, 50 के आसपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वर्ण जो है सार्थक ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं वर्ग के प्रथमाक्षर अर्थात किसी वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर। तो किसी भी वर्ग के, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है, बताया हुआ है कि किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, पंचमाक्षर जो होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, देखिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा तभी आप चयन कर पाएंगे, है ना। परीक्षा, 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 परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तनी के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये भी वर्तनी से रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो छंदों के मेल को, ठीक है। तो संधि जो है दो वर्णों के मेल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दो शब्दों के मेल से समास बनता है हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये जो है गुण संधि का को व्यक्त करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सत प्लस चरित्र, सत चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर व्यंजन संधि का, है ना। सत चरित्र जो है, सच्चरित व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा अधः प्लस गति, अधो गति किस संधि का उदाहरण है? तो स्पष्ट दिख रहा है विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन है प्रा, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति, है ना, प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शंस हैं संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। तो कृत प्रत्यय जो होता है हमारे वर्ब के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में लगता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ लगता है और इससे बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। और जबकि तद्धित प्रत्यय भी होते हैं ना, तद्धित प्रत्यय हमारे संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पढ़ने वाला, क्वेश्चन नंबर 24 है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं कृदंत, तद्धित, देशज या विदेशज, है ना। तो आप इसका राइट आंसर होगा पढ़ने वाला, ये क्या हो रही क्रिया है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ? ऑप्शंस हैं भोजपुरिया, भारतीय, आतिथेय या गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह, विच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर, देव और असुर, है ना। ऑप्शंस देखिए, तत्पुरुष, द्वंद, दिगु, बहुव्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, पाठशाला में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, द्वंद, कर्मधारय, द्विगु। पाठशाला अर्थात पढ़ने के लिए शाला, है ना,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। अर्थात तत्सम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, सभी को पता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि शब्द है, संधि जो है शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है? तो संधि शब्द जो है हमारा कैसा है? तत्सम है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 31 है, मगही शब्द है, मगही शब्द है। ऑप्शंस हैं तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। तो मगही शब्द हमारा तत्सम है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शंस हैं उद्गम, खेत, कोड, अजीब। तो तत्सम शब्द जो है उद्गम है हमारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्गम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, खिचड़ी शब्द का खिचड़ी शब्द जो है किसका उदाहरण है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का, या विदेशज का? तो खिचड़ी शब्द जो है तद्भव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द क्या है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, या विदेशज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपील शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अपील जो है इंग्लिश वर्ड है ना, तो ये विदेशज शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, या विदेशज। तो लालटेन भी आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़ शब्द है ना। इसके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो जिसके दो सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं ना, दो सार्थक शब्द ऐड हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो है हमारा योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जितने भी बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे हमारे, वो सारे योग रूढ़ में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द बताना है ना, विकारी अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, जिसमें परिवर्तन लाया जा सके। ऑप्शंस हैं आज, यथा, परंतु, लड़का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लड़का। ठीक है, लड़का, लड़के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विकारी शब्द का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं बहुत, इधर, इसलिए, ओह। ठीक है। तो बी, सी, डी, ये सारे हमारे अव्यय हैं, अव्यय अर्थात अविकारी। ठीक है। तो विकारी शब्द बहुत होगा, बहुत का बहुतायत हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है? सुरभि किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है गाय, भैंस, हरिण, सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय का। सुरभि जो है गाय का पर्यायवाची है। ठीक है। गाय के और पर्यायवाची होते हैं गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी, है ना। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गाय के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, दुकूल का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है कपड़ा, धरती, नभ, अंतरिक्ष। तो दुकूल का पर्यायवाची जो है कपड़ा होता है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। कपड़ा के अदर पर्यायवाची होंगे वसन, चीर, है ना, ये सब कपड़े के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, प्राची का पर्यायवाची शब्द है? प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। डायरेक्शंस नेम दिए हुए हैं। तो प्राची अर्थात पूर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, हिमाद्रि का पर्यायवाची है? हिम प्लस आद्रि, है ना, अर्थात बर्फ से ढका हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है? रत्नाकर का
पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस हैं समुद्र, सोता, समाधि, संसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं अंगीठी, जल, धरती, आकाश। ठीक है, तो अलाव का पर्यायवाची अंगीठी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपुल का पर्यायवाची शब्द है। विपुल है ना, विपुल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं बहुत, समान, कम, छोटा। तो विपुल अर्थात बहुत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, रसाल का पर्यायवाची शब्द है। रसाल का ऑप्शंस हैं आम, नींबू, इमली, जामुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। रसाल का पर्यायवाची आम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सौगात का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं परिणय, भेंट, परिणाम, प्रेम। तो क्या सौगात लाए हो हमारे लिए, अर्थात क्या भेंट लाए हो, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, भेंट। सौगात का पर्यायवाची भेंट होगा। तो हमारी प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट होती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया इसमें। ठीक है, बाकी हमारा कल का क्वेश्चन था कि आपको मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं बतानी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, गोदान, गबन, पूस की रात, नमक का दरोगा, ईदगाह, निर्मला, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है और इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं ना। और कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, प्रेमाश्रम आदि इनकी जो है फेमस कृति हैं, फेमस रचनाएं हैं। आपका आज का क्वेश्चन है कि आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं जो है कमेंट करके बतानी है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको जो है शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें थोड़ा हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लाने का जो है इच्छा जागृत होती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।